नोटबंदी का बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया। आरबीआई ने कहा नोटबंदी से सिर्फ 16,000 करोड़ के पुराने नोट नहीं लौटे हैं। सरकारी सूत्रों ने कहा आंकड़ों के गलत मायने निकाले गए। आंकड़े आने के बाद नोटबंदी को वित्त मंत्री ने कामयाब बताया। मकसद पैसा जब्त करना नहीं, कालाधन सिस्टम में लाना था। नोटबंदी की वजह से करीब 2 लाख फर्जी कंपनियां पकड़ में आई, 56 लाख नए करदाता जुड़े। डोकलाम में सेना हटाए जाने के बाद भी चीन के बिगड़े बोल, कहा सेना हटाकर भारत ने माना डोकलाम हमारा है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने कहा कश्मीर में चल रही आतंक विरोधी मुहिम में काफी सफलता मिल रही है। एनआईए की जांच से टेरर फंडिंग में भी कमी आई। केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि कल रिटायर हो रहे हैं। वो गृह सचिव के पद पर 2 साल तक रहे। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत लाने में पाकिस्तान कोई मदद करेगा ऐसा सोचना भी गलत है, लेकिन इसके लिए कानूनी रास्ते मौजूद हैं। समाजसेवी अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, लोकपाल को लेकर फिर आंदोलन का ऐलान किया, लेकिन जगह और तारीख अभी नहीं बताई है। कहा 3 साल बीत गए लेकिन लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्तियां नहीं हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई ने राजस्थान में जमीन आवंटन से जुड़े 18 मामलों में वाड्रा की कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर के खतौली में हुए रेल हादसे में रेल मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही बरतने के आरोप में 13 रेल कर्मचारियों को बर्खास्त किया। 19 अगस्त को हुए इस ट्रेन हादसे में 22 लोगों की मौत हुई थी। मझोली और बड़ी लग्जरी कार्स महंगी होंगी, सरकार ने 10% सेस बढ़ाने का फैसला किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात, खट्टर बोले हमने कोर्ट के आदेश का पालन किया, जिसे इस्तीफा मांगना है मांगता रहे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और हज मंत्री मोहसिन रजा एमएलसी कोटे से विधायक बनेंगे। कुछ दिन पहले एसपी और बीएसपी के कुछ नेता एमएलसी पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने फिर लगाए लालू एंड फैमिली पर गंभीर आरोप, कहा पूर्व एमएलसी शमीम को एमएलसी बनाने के लिए दोनों बेटों के नाम पर जमीन लिखवाई। 1,000 करोड़ के सृजन घोटाले को लेकर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, बोले नीतीश कुमार ने खुद सृजन एनजीओ को फलने फूलने दिया और अब वो निर्दोष बन रहे हैं। नीतीश कुमार को पहले से ही सृजन घोटाले की जानकारी थी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी जल्द मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। ईडी ने सीबीआई से एफआईआर की कॉपी मांगी है। मुंबई में बारिश रुकी लेकिन मुसीबत बरकरार है, कई इलाकों में अब भी पानी जमा है। लोकल ट्रेन बहाल कर दी गई है और आपको बता दें वेस्टर्न लाइन पर भी अब सभी ट्रेनें चल रही हैं। कल की बारिश के बाद से मुंबई का हाल बेहाल था। कल मुंबई में भारी बारिश के बाद से 7 लोग लापता हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक अब्रापुरकर कल शाम 6:45 परेल में इंडिया बुल्स के दफ्तर के पास से लापता है। मुंबई में बारिश के बीच कल शाम से लापता डॉक्टर दीपक अमरापुरकर का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। जिस मेन होल में गिरने का शक था वहां तलाशी के लिए फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन। मुंबई के सायन में बारिश में फंसी गाड़ी में दम घुटने से 30 साल के वकील की मौत हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से फिलहाल मुंबई वालों को कोई राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक तेज बारिश का अनुमान लगाया है। बारिश की वजह से मुंबई में एयरपोर्ट पर हाल बुरा, जेट एयरवेज ने अपनी 19 फ्लाइट्स को मुंबई से रद्द कर दिया है। कल भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरने की वजह से आज मुंबई में स्कूल कॉलेज बंद रहे। फडणवीस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आज ऑफिस न आने की सलाह दी थी, निजी कंपनियों के भी दफ्तर बंद रहे। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जलभराव के हालात, वडाला में सड़कों पर आज भी पानी भरा रहा। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों को निकलने में परेशानी। मुंबई में डिब्बा वालों का आज काम बंद रहा, हजारों लोगों को खाने में मुश्किल। कल भारी बारिश की वजह से दफ्तरों से डिब्बा जमा नहीं कर पाए थे डिब्बा वाले। खराब मौसम को देखते हुए फडणवीस सरकार ने मुंबई के एंट्री पॉइंट्स बांद्रा वर्ली सीलिंग पर टोल लेने पर रोक लगा दी है। टोल की वजह से लंबा जाम लग रहा था।
मुंबई में पिछले तीन दिन से हो रही बारिश की वजह से मीठी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इमरजेंसी के लिए नेवी के हेलीकॉप्टर्स, गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम्स अलर्ट पर रखी गई हैं। मुंबई में भारी बारिश से लालबाग के राजा के पंडाल में भक्तों की भीड़ कुछ कम हुई। 10 से 15 मिनट में अब दर्शन कर पा रहे हैं भक्त, पहले घंटों लगते थे। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला जारी। पिछले 72 घंटे में 63 बच्चों की और मौत हुई। सिर्फ अगस्त के महीने में ही बीआरडी कॉलेज में 386 बच्चों की मौत हो चुकी है। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में लगातार हो रही बच्चों की मौत पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का शर्मनाक बयान, बोले क्या सरकार आपके बच्चों को पालेगी। सीएम योगी के शर्मनाक बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए योगी से इस्तीफा मांगा। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद तिवारी बोले, योगी यूपी को रोगी बनाने में लगे हैं। गोरखपुर में पिछली घटनाओं से योगी सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत को लेकर कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी सीएम योगी पर निशाना साधा। बोले, मोदी सरकार में जान की कोई कीमत नहीं, देश का भविष्य मौत के घाट उतारा जा रहा है। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ। जोधपुर के एक अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स के झगड़े पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। ऑपरेशन थिएटर में झगड़ते रहे डॉक्टर्स, इलाज में लापरवाही से नवजात की मौत हो गई। अस्पताल ने दिया दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा। राम रहीम कांड में नया खुलासा हुआ है। 25 अगस्त को फैसले वाले दिन पंचकुला कोर्ट से भागने की साजिश रची गई थी। राम रहीम की करीबी हनीप्रीत के लाल सूटकेस दिखाना था कोडवर्ड, पुलिस ने फेल किया प्लान। जेल में कट रही है बलात्कारी बाबा की जिंदगी। एक दिन में 16 लाख कमाने वाला राम रहीम जेल में 40 रुपए की दिहाड़ी ले रहा है। सजा मिलने के बाद हरियाणा के अलग अलग शहरों में राम रहीम पर 61 केस दर्ज हुए। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ की जिस गौशाला में 300 गायों की मौत हुई थी, छत्तीसगढ़ लोकायुक्त ने 2014 में ही उस गौशाला में अनुदान के पैसों में गड़बड़ी की बात कही थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोड पर फेंके गए सड़े हुए प्याज खाकर गायें मर रही हैं। होशंगाबाद जाने वाली सड़क पर बदबू से चलना मुश्किल। एबीपी न्यूज ने एक महीने पहले खबर दिखाई थी, सड़ा प्याज कैसे गायों के लिए जानलेवा बन रहा है। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके के आशीर्वाद अपार्टमेंट में लाखों रुपए की चोरी। सोसाइटी में 2 फ्लैट्स के ताले तोड़कर लाखों की ज्वेलरी, कैश पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर, चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को ढकने की भी कोशिश की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, दूसरा फरार। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल भी घायल हुए। यूपी के रामपुर में 2 महिलाओं ने चोरी के लिए नया तरीका अपनाया। ग्राहक बनकर गहने देखने आई दुकान में, महिलाओं ने दुकान में सांप छोड़ दिया और अफरा तफरी के बीच जेवर का डिब्बा लेकर चंपत हो गई। अमेरिका के टेक्सास में आए हार्वे तूफान से तबाही और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में और तेज बारिश की आशंका जताई है। यहां तूफान और बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।